Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum viewers. So here is the second poem from South Asian literature, which is Wedding in the Flood, and we can also say it Flood Wedding. And the writer of this poem is Taufeeq Rafat. He is a Pakistani poet, and he has written most of the poems to improve the culture, to show the cultural values of Pakistani society. Let's start from the text now. They are taking my girl away forever. Now this stanza is spoken from the perspective of the mother of the girl, from the mother's perspective. And she is talking about her daughter. And she is saying that they are taking my girl away forever. Ye log hamesha ke liye meri beti ko mere se door leke ja rahe hain. So the bride's mother, वो सिसकियाँ लेती है, रोती है, क्योंकि शादी का मौका है और मदर जाहिरी से बात है रोती ही है. एज अ प्रोसेशन फॉर्म्स स्लोली टू द वाइन ऑफ द क्लैरिनेट, जो जो प्रोसेस चल रहा होता है वो ऐसा ऐसा से हो रहा होता है, तमाम शादी का जो प्रोसेस चल रहा होता है वो. और क्लैरिनेट क्या होता है? शहनाइयाँ बजना, जो खुशी के मौके पर जो शहनाई बजाई जाती है उसको बोल रहे हैं कि वो भी ऐसा ऐसा बजाई जा रही है. एंड नाउ द मदर इज सेइंग दैट हर डॉटर इज शाय वन, शी वॉज अ शाय वन, बहुत ही शर्मीली टाइप सी थी. हाउ विल शी फेयर इन दैट कोल्ड हाउस, कि वो किस तरह से जिंदगी गुजारेगी वहाँ पर, क्योंकि बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू कैरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिकॉज शी इज़ सो डेलीकेट. हर मदर, हर माँ के लिए उसकी बच्ची डेलीकेट ही होती है. अमंग दी स्ट्रेंजर्स, उन स्ट्रेंजर्स के दरमियान जाहिर सी बात है जिस घर में वो शादी करके जा रही है वो उसके लिए स्ट्रेंजर्स ही हैं. दिस हैज़ बीन अ लॉन्ग एंड डिफिकल्ट डे, ये बहुत ही लंबा और मुश्किल दिन था. जाहिर बात है मुश्किल दिन तो होगा ही. द रेन नियरली रेन्ड एवरीथिंग, कि बारिश ने तो सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया. बट एट द क्रूशल टाइम, बहुत जब बहुत ज़रूरी वक्त था कि बारिश थम जाए, उस वक्त क्या हुआ कि उस वक्त बारिश रुक गई. व्हेन लंच वाज रेडी इट मर्सीफुली स्टॉप, जब खाना तैयार था तो रहम, कुछ रहम हुआ अल्लाह ताला की तरफ से, कुछ करम हुआ कि बारिश वो रुक गई. इट इज़ ड्रिजलिंग अगेन एज दे हेल्प द ब्राइड इन टू द पलंक्वीन. अब पलंक्वीन क्या है? वो डोली होती है जिसमें दुल्हन को बिठा कर लेके जाते हैं. जब वो लोग उसको डोली के अंदर बिठा रहे थे तब बारिश दोबारा से स्टार्ट होने लग गई, हल्की हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई. दिस गर्ल हैज़ बीन लिकिंग टू मैनी पॉट्स. अब इनका पर्सपेक्टिव क्या है, लोगों का क्या पर्सपेक्टिव है? अब ये अब हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में भी यही समझा जाता है कि जब शादी में अगर बारिश हो रही हो तो उसको ये समझते हैं कि लड़की ने तो ज़्यादा ही हंडियाँ चाटी होंगी, जो देगचियाँ हैं वो चाटी होंगी, ये पर्सपेक्टिव लिया जाता है. अब वो भी यही सोच रहे हैं, दिस गर्ल हैज़ बीन लिकिंग टू मैनी पॉट्स. टू स्टडी लैड्स कैरिंग द डॉरी, स्टडी मीन्स स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बॉयज, स्टडी लैड्स मीन्स स्ट्रॉन्ग बॉयज, के जो दो ताकतवर लड़के हैं वो जहेज का सामान लेकर जा रहे हैं. और जहेज के सामान में क्या क्या शामिल है? अ कॉट, अ लुकिंग ग्लास एंड अ टिन ट्रंक. और टिन ट्रंक क्या होती है? पेटी. किस कलर की पेटी उन्होंने दी है? ब्यूटीफुली पेंटेड इन ग्रे एंड ब्लू, और ग्रे और ब्लू टाइप की होती है मैक्सिमम जो कलर पाया जाता है पाकिस्तानी सोसाइटी में वो ग्रे कलर ही होता है. अभी भी पाई जाती हैं पेटियाँ, उनको बोलते हैं. लीड द वे फॉलोड बाय अ फोरसम बेयरिंग द पलंक्वीन ऑन देयर शोल्डर्स. अब चार लोग हैं, जिस तरह से जनाजा लेकर जा रहे होते हैं उसी तरह से ही ये डोली भी उसकी अपने चार लोग अपने शोल्डर्स पर लेकर जा रहे हैं. नॉट इवन द स्ट्रैगलर, नाउ इवन द स्ट्रैगलर्स आर आउट ऑफ व्यू. अब स्ट्रैगलर्स क्या है? जो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं. अब मतलब ये है बताने का कि उनकी माँ जो बेटी है उसकी माँ जो देख रही है पीछे से सब लोगों को देख रही थी, जो ऐसा ऐसा चलने वाले लोग थे वो भी अब गायब हो गए हैं, तब भी माँ देख रही है पीछे से कि उसकी बेटी अब चली जा रही है. नाउ द सेकंड स्टैंजा इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्राइड ग्रूम, दुल्हा के पर्सपेक्टिव से. अब वो क्या सोचता है दुल्हन के बारे में? आई लाइक द लुक ऑफ हर हीनेड हैंड्स. अब हीनेड हैंड्स कौन से होते हैं? मेहंदी लगे हुए हाथ, हीना मेहंदी को बोलते हैं. उसके मेहंदी लगे हुए हाथ, कहता है कि मैंने उसके मेहंदी लगे हुए हाथ देख ली है. ग्लोर्स द ब्राइड ग्रूम. अब वो देख कर बहुत खुश होता है. ऐसी ग्लिम्सेस हर स्लिम फिंगर्स ग्रिपिंग द पलंक्वीन साइड. और उसने देखे कैसे है, जैसे ही वो डोली के साइड पे हाथ रख रही थी अपना, अपने आप को बचाने के लिए, गिरने से बचाने के लिए, तो उसने उसके हाथ देख लिए थे और उसे उसके हाथ तो बहुत ही पसंद आए हैं दूल्हा को. इफ ओनली हर फेस मैचेस हर हैंड्स. अब वो क्या बात कर रहा है? कहता है कि अगर उसके हाथ अब उसके चेहरे से मैच कर रहे हुए, एंड शी गिव्स मी नो मदर इन लॉ प्रॉब्लम, और उसने मेरी माँ को कोई तकलीफ ही ना दी, कोई प्रॉब्लम लड़ाई झगड़ा ना हुआ,
आई विल फॉरगिव हर द कॉर्ड एंड ट्रंक एंड लुकिंग ग्लास. मैं उसका जहेज माफ कर दूंगा. मतलब उसे उसका जहेज बिल्कुल पसंद नहीं आया, लेकिन वो कह रहा है कि अगर उसका चेहरा उसके हाथों से मैच कर रहा हुआ और उसने मेरी माँ को तंग ना किया तो मैं माफ कर दूंगा उसे. ठीक है, मैं रख लूंगा उसका जहेज जो भी उसने लाया मेरे घर. विल द रेन नेवर स्टॉप? क्या बारिश कभी भी नहीं रुकेगी? इट वॉज माई लक टू गेट अ पॉट लिकिंग वेंच. ये तो मेरी किस्मत में था कि मैं एक ऐसी लड़की से शादी करूं कि जो देगचियां चाटी हैं जिसने. मीन्स यंगर. नाउ दिस स्टैंजा इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्राइड. दुल्हन के पर्सपेक्टिव से आप वो क्या सोच रही है? एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द फेरीमैन नाउ. अब फेरीमैन क्या है? जो कश्ती चलाने वाला है, जो उनका सामान लेकर जाएगा उनके घर तक, सब कुछ उसके ऊपर अब डिपेंड करता है. इट इज डार्क इन द पैलेंक्वीन. अब डोली में भी अंधेरा छा गया है, रात होने वाली है. थिंग्स द ब्राइड, दुल्हन सोचती है. एंड द रूफ इज लीकिंग. और छत भी टपक रही है क्योंकि बारिश हो रही है और पानी आ रहा है. इवन माई फीट आर वेट. कि मेरे पाँव भी गीले हो गए हैं. नॉट अ फेमिलियर फेस अराउंड मी. कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जो मैं देख सकूँ, कि मैं पहचानती हूँ उसे. सब लोग अनजान है यहाँ पर. एज आई पीप थ्रू द कर्टन, जैसे ही मैंने पर्दे के बाहर देखा तो मुझे कोई भी ऐसा चेहरा नहीं मिला जिसको मैं पहचानती हूँ. आई एम कोल्ड एंड स्केर्ड. मैं बहुत डरी हुई हूँ, मुझे सर्दी भी लग रही है. द रेन विल रुइन द कॉर्ड. ये कॉर्ड, ट्रंक एंड लुकिंग ग्लास. ये बारिश जो है ये मेरा सारा जहेज का सामान खराब कर देगी. उसमें क्या शामिल है? कॉर्ड है, ट्रंक एंड लुकिंग ग्लास. व्हाट सॉर्ट ऑफ मैन इज माई हस्बैंड? मेरा हस्बैंड किस टाइप का होगा? मतलब कैसा है मेरा हस्बैंड, तो मैंने देखा ही नहीं. दे वुड हरी बट देयर फीट आर स्लिपिंग. वो अगर जल्दी भी करे लेकिन उनके पाँव तो फिसलेंगे ही. एंड देर इज अ स्लोवन स्वोलन रिवर टू क्रॉस. और दरिया का पानी भी इतना बढ़ ही जा रहा है कि उसको क्रॉस करना भी मुश्किल हो जाएगा. दे माइट हैव गिवन अ ब्लॉक एटलीस्ट. अब नाउ दिस स्टैंजा इज फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ब्राइड ग्रूम्स फादर. अब ब्राइड ग्रूम्स फादर क्या सोचते हैं, मतलब दूल्हे का बाप क्या सोचते हैं? दे माइट हैव गिवन अ ब्लॉक एटलीस्ट. उन्होंने क्या पता बैल दे दिए हों. ग्रम्बल्स द ब्राइड ग्रूम्स फादर. वो बड़बड़ाता है कुछ, उसका बाप, दूल्हे का बाप बड़बड़ाता है अपने मुंह में कुछ. अ कपल ऑफ ऑक्सन बैलों की जोड़ी दी होगी. वुड हैव कम इन हैंडी एट द नेक्स्ट प्लोइंग. अगर उन्हें दी होती तो बैल की जो हल हम चलाते हैं उसके लिए आसानी हो जाएगी. इंस्टेड वी आर हैंडेड विद अ कॉर्ड. लेकिन नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया. उन्होंने सिर्फ अ कॉर्ड दी है, टिन ट्रंक और लुकिंग ग्लास ही सिर्फ दिया है. ऑल द थिंग्स दैट शी विल यूज. वो सब चीज़ें जो उनकी बेटी यूज़ करेगी. हमारे लिए यूज़ करने के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है. यहाँ पर पाकिस्तानी सोसाइटी की थिंग मेंटेलिटी दिखाई गई है कि पाकिस्तानी सोसाइटी की मेंटेलिटी क्या है. उनको सिर्फ जहेज चाहिए होता है और अपने यूज के लिए. डियर गॉड, हाउ द रेन इज कमिंग डाउन. अब अल्लाह ताला से इंतजार करें कि किस तरह से बारिश आ रही है हमारे ऊपर, थोड़ा सा रहम करें. द सिली गर्ल इज बीन लिकिंग टू मैनी पॉट्स. ये जो पागल सी लड़की है, मतलब सिली गर्ल, बहुत ज्यादा इसने हांडिया चाटी और देखिया. आई डिड नॉट लाइक द लुक ऑफ द रिवर. मुझे ये दरिया की कैफियत और दरिया की शक्ल बिल्कुल पसंद नहीं आ रही. व्हेन वी क्रॉस्ड इन दिस मॉर्निंग. जब मैंने ये पसंद की, जब मैं सुबह सुबह जब मैंने क्रॉस किया था इस दरिया को, मुझे उस वक्त इसकी हालत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. बहुत बुरी हालत थी. कम बैक बिफोर 3, द फेरी मैन सेट. फेरी मैन ने क्या बोला था, मतलब कश्ती वाले ने क्या बोला था कि 3 बजे से पहले पहले आ जाना और यू विल नॉट फाइंड मी. अगर आप लोग 3 बजे से पहले पहले ना आए तो फिर आप लोग मुझे ढूंढ नहीं सकोगे, मैं तो चला जाऊंगा. आई होप ही वेट्स. मुझे उम्मीद है कि उसने हमारा इंतज़ार किया होगा. वी आर लेट बाय एन आवर परहैप्स टू. शायद हम 1 या 2 घंटा तो लेट हो ही गए हैं. बट हु एवर हर्ड ऑफ अ मैरिज पार्टी अराइविंग ऑन टाइम. क्या कभी किसी ने सुना है कि शादी वाले घर हो और बारात जल्दी से आ जाए? नहीं, टाइम पर तो कभी आई नहीं है. द लाइट इज़ पुअर एंड द पास ट्रिकेरियस. रोशनी तो बहुत ही कम है, अंधेरा पड़ रहा है और रास्ता भी ऐसा है कि उस पर एतबार नहीं किया जा सकता. बट इट इज़ अ रिवर आई मोस्ट ऑफ ऑल फियर. लेकिन सबसे ज़्यादा डर मुझे किस बात का है? दरिया का, कि उसका पानी ऊपर ना चढ़ाए और हम डूब ही ना जाए. अब सब लोग किसका इंतजार कर रहे हैं? ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड एंड पेरेंट्स एंड ऑल द फेरीमैन वेट्स. फेरीमैन इंतजार करता है ब्राइड ग्रूम का भी, ब्राइड का भी और पेरेंट्स का भी. ही नोज यू विल कम फॉर देर इज नो अदर वे टू क्रॉस. उसे पता था कि वो लोग आएंगे ज़रूर, क्योंकि यहाँ पर और कोई रास्ता ही नहीं है रिवर को क्रॉस करने का. एंड अ वेडिंग पार्टी ऑलवेज पेस एक्स्ट्रा. और हमें तो इस बात का पता है कि शादी वाले घर से ज़्यादा पैसे मिलते हैं. द रिवर इज राइजिंग. दरिया तो बढ़ रहा है उसका पानी. सो क्विकली जंप अब्रॉड विद योर कॉर्ड, टिन ट्रंक एंड लुकिंग ग्लास. जो उसका जहेज का सामान था, दुल्हन का, उसके ऊपर से पानी गुजर रहा है. मतलब कि सामान खराब हो रहा है उसका. दैट द लॉन्ग होमवर्ड जर्नी कैन बिगेन.
कि घर जाने का रास्ता, हमारी जर्नी है घर जाने की, वो तो स्टार्ट होगी, मतलब हम घर तो जा रहे हैं। हु हैज सीन सच अ ब्राउन एंड एंग्री रिवर, किसने देखा है इतना वहशत ज़दा दरिया और उसका पानी, और कैन फाइंड वर्ड्स फॉर द वे द फेरी सॉज इज वे एंड दैट एंड दैट इज गॉर्जियस इट्स स्ट्रीमिंग लॉर्ड। अब यहाँ पर सारे सामान की तबाही और बर्बादी हो रही है। द क्लैरिनेट फील्स द वाटर, और जितने भी सामान था वो अपने साथ लेकर आए, उनमें पानी चला गया। ओह व्हाट अ कंज्यूमेशन इज हेयर, मतलब हर चीज़ की बर्बादी हो रही है। कंज्यूमेशन मीन्स एंड ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ ख़त्म होने को आई है, मतलब तबाही हो रही है। द फादर टॉस्ड ऑन द हॉर्न्स ऑफ द वेव, और सुसर साहब ने क्या किया कि वो वेव्स के ऊपर ऊपर जा रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, ताकि वो डूब ना जाएं। एंड फुल 30 गार्लैंड्स एंड बॉबिंग पास्ट, और जो हार वगैरह थे वो भी डूबी जा रहे हैं। द ब्राइडग्रूम हीव्ड ऑन द हीविंग टाइड, अब वो भी इन लहरों के ऊपर उछल रहा है। एंड इन एन एडी, जो करंट लहरें हैं अमंग द विलोज डाउन स्ट्रीम, वो उधर इधर उधर जा रही हैं, ऊपर नीचे लहरें आ रही हैं। द कॉय ब्राइड इज ट्रूली वेडेड एट लास्ट, और वो तो अब डूब गए, शादी हो गई एट लास्ट। अब इस पोएम का असल मकसद क्या है कि ये जिंदगी, दिस लाइफ इज टेम्परेरी, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हम जो भी इस दुनिया में कर रहे हैं उसके लिए, हम सिर्फ टेम्प्रेरी हैप्पीनेस के लिए कर रहे हैं, और हमें पता नहीं कि ये दुनिया कब ख़त्म होने वाली है। और पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में बताया गया, और मतलब साउथ एशियन सोसाइटी के बारे में, कि वो लोग जहेज का सामान कलेक्ट करना चाहते हैं, और जो मदर के पर्सपेक्टिव है वो अपनी बेटी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कि उसकी बेटी बहुत नाजुक और शर्मीली सी है, कैसे फेस करेगी सब कुछ। सब पाकिस्तानी सोसाइटी के बारे में बताया गया है। एंड दिस पोएम इज़ द ट्रेजिक एंड ऑफ द सोसाइटी। दैट्स द एंड ऑफ दिस पोएम। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स।